सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है NDTV इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, NDTV पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है NDTV इलेक्शन कार्निवल। गुड इवनिंग, नमस्ते, वेलकम। टुडे वी आर इन गोरखपुर। जी हाँ, आज हमारा कार्निवाल गोरखपुर पहुंच गया है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का वो शहर है जो गोरक्षनाथ महाराज के मंदिर के लिए बहुत फेमस है। यहाँ गोरक्षनाथ की पीठ है और इसी पीठ के मुखिया यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। और इसीलिए गोरखपुर, क्योंकि मुख्यमंत्री का इलाका है, तो यहाँ की सीट, यहाँ का मुकाबला भले ही एक तरफा दिखाई देता हो किताबों में, आंकड़ों में, लेकिन चर्चा में हमेशा रहता है। गोरखपुर में हम मौजूद हैं। गोरखपुर से BJP के सिटिंग MP, जाने माने भोजपुरी फिल्मों के एक्टर रवि किशन शुक्ल जी अपनी किस्मत को फिर आजमा रहे हैं। उनको चुनौती दे रही है इंडिया अलायंस की तरफ से काजल निषाद जी, और BSP भी मुकाबले में है, तो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो रहा है। गोरखपुर का इतिहास के बारे में और भी बातें करेंगे। हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, ये रामगढ़ ताल झील है, ये पीछे, इसके पीछे आप अंधेरे में नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल इसको एक मरीन ड्राइव की तरह डेवलप किया गया, जैसे बॉम्बे में होता है, या जो लोग मध्य प्रदेश में, उन्होंने भोपाल में ऐसा देखा होगा, उस तरीके से टूरिस्ट का स्पॉट है ये। बड़ी संख्या में यहाँ पर सैलानी भी आते हैं। उस इलाके में इस वक्त NDTV का ये कॉन्वॉय, ये काफिला, ये कारवां, कार्निवाल इस वक्त जमा हुआ है। हम भोजपुर के इलाके में हैं, और भोजपुरी फिल्मों से ही, भोजपुरी गीतों से ही क्यों ना शुरू किया जाए। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में सियासी बहस भी होगी आगे जाके, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे, मेरे साथ मनोज मिहिर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, जुड़े। आप भोजपुरी के जाने माने सिंगर हैं, जाने माने परफॉर्मर हैं, हमारे मंच पर आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू। और मैं ये अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से और आपकी गीतों के माध्यम से कि आप न सिर्फ गोरखपुर की, बल्कि जितने लोग हमारे टेलीकास्ट को देख रहे हैं, वो सब उत्साहित हों, ताकि बाकी के जो चरण बचे हुए हैं मतदान के, वहाँ तो मतदान के रिकॉर्ड टूटे, इस बार मतदान के रिकॉर्ड उल्टी दिशा में जा रहे हैं, उनको आगे ले जाने का काम आपको अपने गीतों के जरिए करना है अगले कुछ मिनटों में। थैंक यू सर। NDTV का ये अपील है, और ये मनोज मिहिर भी आप लोगों से अपील कर रहा है इसी कार्यक्रम में। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, सारे देशवासियों को प्रणाम करता हूँ। NDTV का है कहना हो, ये सुमित सर है, इन्होंने कहा कि ऐसा अपील करो कि लोगों का मन करे वोट डालने जाने के लिए। मैं तो कहता हूँ गोरखपुर की जनता उसी के लिए आतुर है और जानती है कि सरकार हमें ऐसा बनाना है कि गोरखपुर ही नहीं पूरा देश चलाना है। कि NDTV का है कहना, हर निभा लो जिम्मेदारी, चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी। NDTV का है कहना, निभा लो जिम्मेदारी। NDTV का है कहना, निभा लो जिम्मेदारी, चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी। चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी। लोकतंत्र के लिए जाना है बूथ पर, लोकतंत्र के लिए जाना है बूथ पर, जाके बटन दबाना है सोच समझ कर, जाके बटन दबाना है। NDTV का है निभा लो जिम्मेदारी, चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी। चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी। चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी। चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी। चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, मनोज मिहिर, आपकी और आपकी टीम ने बड़ा अच्छा मजमा जमाया, थैंक यू सो मच, आ जाइए। तो काफिला गोरखपुर तक पहुंच चुका है। गोरखपुर में भी उत्तर प्रदेश में बड़ी दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। सांसद हैं रवि किशन जी,
और उनके सामने मुकाबले में उतरी हैं काजल निषाद जी। काजल जी इंडिया अलायंस की तरफ से सामूहिक इस बार प्रत्याशी हैं, स्वागत है आपका काजल जी। काजल जी भी परिचय की मोहताज नहीं है, खासकर गोरखपुर की जनता के बीच तो काफ़ी रही हैं, कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं और फिल्मों सीरियल्स वगैरह में काम भी आपने किया है एक वक्त पे। मेरा पहला सवाल काजल जी आपसे यही है, और गोरखपुर की आवाम आपको सुन रही है, आपका वोटर आपके सामने बैठा हुआ है, अगर इन लोगों को आपको वोट करना है तो अगले 60 सेकंड में आप क्या कह सकती हैं जिससे ये आपकी तरफ आ जाएं? 60 सेकंड्स आपके हैं, क्या करेंगे आप अपना? NDTV का मैं धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार पत्रकार महोदय और यहाँ सभी जितने उपस्थित हैं, परम सम्मानित आदरणीय वरिष्ठ नेतागण और सभी वरिष्ठ आदरणीय सभी अलग अलग पार्टी के जो लोग उपस्थित हैं, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार कोटि कोटि प्रणाम। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ और 14 साल मेरे संघर्ष को हो गया है, तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास भी ख़त्म हो गया था, तो आपकी बहन बेटी बहू का वनवास ख़त्म करे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो खैर जनता तय करेगी, लेकिन मुझे एक बात बताइए काजल जी, आप कांग्रेस में रहीं, आप सपा में रहीं, अब आप दोनों के साथ हैं, इस बार जो अलायंस है कांग्रेस और सपा का एक साथ है, ये कितना आसान है काम करना अलायंस में? क्या ज़मीन पर अलायंस का असर है? क्या कार्यकर्ताओं के दिल मिले हैं? जी जी बिल्कुल, कल ही हमारा नामांकन सफल हुआ है, ये परमादरणीय सम्मानित जनतागण की वजह से और सभी जो कार्यकर्ता है अलायंस के सभी वरिष्ठ नेतागण एवं कार्यकर्तागण हैं उन्हीं की वजह से सफल नामांकन हुआ है और सभी ने कोटि कोटि आशीर्वाद भी मुझे दिया है, क्योंकि देखिए मैं लगातार ज़मीन पर रहती हूँ, लगातार क्षेत्र में रहती हूँ, चुनाव हो या ना हो, चुनाव बीत भी जाए उसके बावजूद भी मैं क्षेत्र में ही रहती हूँ, तो लोग वोट करेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, हर चुनाव में जनता ने मुझे सहयोग प्यार आशीर्वाद स्नेह दिया है और इस चुनाव में और भी बढ़कर देंगे। दो बार विधायकी आपने लड़ा, एक बार महापौर लड़ा, मेयर लड़ा आपने, असफल रही, ऐसा क्या जादू है काजल निषाद में कि आपका बीजेपी का जो विरोधी पक्ष है वो चाहता है कि काजल निषाद उनकी नुमाइंदगी करें? चुनाव हारने के बाद भी आप बार बार आपको टिकट मिल जाता है? इसीलिए क्योंकि मैं जनता के बीच में रहती हूँ, मैं जनता की लड़ाई लड़ती हूँ, मैं हर मुद्दों पर बोलती हूँ, सुख में दुख में जनता के बीच में जाती हूँ, हालचाल लेती हूँ, सुख में बाद में पहुँचती हूँ लेकिन दुख में पहले पहुँचती हूँ। इसीलिए खोराबार के 600 घर टूट रहे थे महोदय और वहाँ पर बुलडोज़र भी पहुँच गया था, एक दो घर तोड़ भी दिए गए थे, लेकिन वहाँ की सभी परमादरणीय महिलाओं ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गई और ये न्यूज़पेपरों में भी निकला था और ये टीवी चैनलों पे भी आया था और लगातार इसका वीडियो वायरल हुआ था। 600 घरों को मैं गई, मैंने बुलडोज़र रोका, सभी अधिकारियों से बात की, सारी फोर्स मैंने वापस भेजी और 600 घरों को मैंने बचा लिया, जबकि मैं किसी गाँव की प्रधान नहीं हूँ, कोई BDC नहीं हूँ, कोई पार्षद नहीं हूँ, उसके बावजूद भी लगातार अधिकारियों से लड़ती हूँ, लोकल हूँ, बहुरिया हूँ, इसीलिए ज़्यादा सम्मान मिलता है। पर ये चुनौतीपूर्ण नहीं है कि आपके तो शहर के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके जो सांसद हैं रवि किशन साहब वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, फिल्मों में सीरियल में भोजपुरी सिनेमा के तो बहुत बड़े कलाकार हैं, आपको लगता नहीं कि ये आपके लिए बहुत कठिन और बड़ी चुनौती है? देखिए माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगर बात कहे तो वह यहाँ है इसीलिए थोड़ा सा विकास दिखता है, लेकिन माननीय सांसद जी की अगर वह है तो थोड़ा सा विकास दिखता है, लेकिन माननीय सांसद जी का यह चुनाव चल रहा है, सांसदी का चुनाव चला था और शुक्ल जी पहले मात्र रवि किशन ही लिखते थे फिल्मों में, महोदय आपको भी पता होगा, लेकिन नेता बनने के लिए उन्होंने रवि किशन शुक्ला लगाया। वे कहते हैं, अभी अभी हमने सुना है, वे कहते हैं माननीय सांसद जी कि हम जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको नेता बनने के लिए शुक्ला लगाना पड़ा सरनेम। शुक्ल जी कहीं सुख दुख में आते नहीं है, शुक्ल जी अभिनेता से नेता तो बन गए लेकिन अभिनेता बनकर ही रह गए, उसके बाद भी हर हर महादेव करते रहते हैं। शुक्ल जी को मैं पूछना चाहती हूँ कि सांसद निधि का पैसा आपने कहाँ खर्च किया? सांसद निधि में जो आता है वह कहाँ खर्च किया? बाबू अपन जाना था, वह कहीं खर्च हुआ है? शुक्ल जी के नाम का, शुक्ल जी के नाम का एक पट्टा नहीं लगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का तो लगा है लेकिन रवि किशन जी के नाम का एक पट्टा नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि वे जौनपुर के हैं, वह बाहर के हैं और मैं घर की हूँ,
मैं अब तो 5 साल से सांसद हैं वो, आप कैसे बाहर के बचे? आप कैसे बाहर के बचे? ऐसे तो अखिलेश यादव ने भी 2 बार कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली, फिर भी वह ऐसे तो डिंपल यादव ने कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली, ऐसे तो मुलायम सिंह आजमगढ़ से लड़ने आए। मैं यहां की बहू हूं शुक्ल जी के नाम का, ठीक है? हाँ। ठीक है, आपने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि चलिए वे सांसद है, 5 साल तक सांसद है, फिर भी मैं देहातों में जाती हूँ, महिलाओं से पूछती हूँ कि बहनी अपने सांसद को देखी है? तो महिला कहती है बहनी देखा नहीं, लेकिन टीवी सीरियल फिल्मों में देख ले हम। एक एक सांसद का कलाकार होना क्या गलत बात है? बिल्कुल गलत बात नहीं है। आप भी तो कलाकार थी। एक कलाकार का नेता होना यहाँ गलत बात है क्या? एक कलाकार नेता बन जाए तो क्या क्षेत्र में नहीं जाएंगे हर हर महादेव करेंगे? पर काजल जी इस बात को बताइए, आखिरकार क्यों सपा धीरे धीरे प्रदेश से बाहर हो रही है? 2 चुनाव लगातार हार गई, 17 में हार गई, 22 में हार गई। आपका मानना है, ऐसा कुछ नहीं है, वोटिंग रेट बढ़ रहा है। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई जितने भी यहाँ पे कहते हैं कि जय श्री राम, इनको क्या लगता है मुझे, मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी ही बोलूंगी। मैं सीधा कहती हूँ, मैं जब भी अपने घर में पूजा पाठ करके निकलती हूँ मैं सारे मंत्र बोलती हूँ, जितने यहाँ जो बैठे हैं वो नहीं बोलेंगे। पूजा पाठ करने पे आपत्ति किसी को नहीं है, किसी को नहीं है, पर अयोध्या अब तक नहीं गया अखिलेश जी, क्या आप गई हैं अयोध्या? क्या आपने दर्शन किए? किसी के बुलाने से जाएंगे, किसी के बुलाने से जाएंगे, मन से हमारे प्रभु जाएंगे, हमारे प्रभु बुलाएंगे अभी तो मन जाएंगे। इच्छा नहीं हो रही है। हमारे प्रभु बुलाएंगे तो हम जाएंगे। मुझे बताइए जरूरी क्या है? जरूरी बा शिक्षा, जरूरी बा रोजगार। ये जो नौकायान पे आप बैठे हैं, जिस नौकायान पे आप बैठे हैं, इसकी नींव रखी थी मायावती जी ने, अखिलेश यादव की सरकार में ये चालू हुआ है, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं कि गैस चालू किया मायावती जी ने और पूरा का पूरा पुलाव पकाया अखिलेश यादव जी ने, मसाले से लेकर ग्रेवी से लेकर सब। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसमें धनिया छिड़क के कह दिया ये पुलाव हमारा है। 5 बार के सांसद, तो ये कैसे यहाँ के मुख्यमंत्री, ये कैसे क्यों चलेगा? क्यों ये क्यों बार बार जनता चुन रही है, मुख्यमंत्री को चुन रही है, उनकी पार्टी को चुन रही है लगातार 90 के दशक से अब तक। कभी कभी क्या होता है कि जनता को धोखा हो जाता है कि ठीक भाई ये कुछ अच्छा करेंगे, ये भी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जनता अगरते अगरते थक गई है। यहाँ पे कहा जाता है, बताया जाता है कि निषादों का वोट सबसे ज्यादा है जी, इसीलिए आपको चुना जाता है जी। क्या निषाद समाज आपके साथ है? बिल्कुल, निषाद समाज मेरे साथ है, हमेशा ही थे। जैसे मैंने 2022 का चुनाव लड़ा, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं बहुत बड़े मंत्री के खिलाफ लड़ रही थी, वो मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र थे और इनके खिलाफ मैं लड़ रही थी, लेकिन कैंपियरगंज की जनता ने मुझे भरपूर सहयोग प्यार आशीर्वाद दिया। इसी तरह महापौर का जब मैं चुनाव लड़ रही थी, महापौर के चुनाव में भी मुझे जनता ने भरपूर सहयोग प्यार आशीर्वाद दिया, क्योंकि देखिए वोटिंग जो थी वो कम थी लेकिन और ज्यादा हो गई। अगर आप यहाँ से सांसद बनी तो पहला एक बड़ा काम क्या करेंगी? मैं महिलाओं के लिए गृहोद्या का इंतजाम करूंगी। चलिए ये ऐसे बात करिए ना, स्पेसिफिक। एक और मुद्दा है और वो ये कि समाजवादी पार्टी में आपको लगता है कि परिवारवाद नहीं है? आपको ये लगता ऐसा है कि मामला है में परिवारवाद नहीं है? आप मुझे बताइए ना, आपको लगता है कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद मुद्दा है कि नहीं? जो है? योग्य होता है उनको नेता बनना चाहिए। आज यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। हर सरकार में महंगाई और गरीबी आती जाती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सबसे बड़ी परेशानी दी है वो युवाओं का रोजगार छीनने की सबसे बड़ी परेशानी। युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है, सवाल उस पर पूछिए। महंगाई है, सवाल उस पर पूछिए। ये बेचारी महिला आगे तो बैठी हुई है लेकिन इनको पता है 1200 का गैस ये भी भरवा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया काजल जी हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। गोरखपुर इज द सिटी ऑफ सिटिंग एमपी रवि किशन, जो कि बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, भोजपुरी फिल्मों के, हिंदी फिल्मों के, आजकल तो कई सारी चीज़ें उनको सीरीज़ में, वेब सीरीज़ में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद ही गोरखपुर की समस्याएं क्या हैं उस पर हम बात करने के लिए मौजूद है। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, परिचय कराता हूँ बारी बारी से। सबसे पहले तो बीजेपी की तरफ से सहजानंद राय साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत और कांग्रेस और सपा के बचाव करने के लिए कांग्रेस पार्टी की नेता अनु पासवान जी, अनु जी आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं लोकल लोगों से बात करना चाहूँगा, शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं?
मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आप कितने सालों से गोरखपुर में हैं? बचपन से हैं। आपके हिसाब से गोरखपुर में क्या क्या चीज़ें बदलाव आ गए? देखिए, गोरखपुर में सबसे बड़ा बदलाव तो, चूँकि मैं यहीं रेलवे इंटर कॉलेज में पढ़ता था और उस समय पूरा अपराध का एक बोलबाला था। हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, आए दिन गुंडागर्दी, इस तरीके से छिनैती, ज़मीनों पे कब्जा, इस तरीके से होते रहते थे। फिर बाद में जब थोड़ा सा समय बदला और उसमें जब बदलाव आया और जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, लेकिन जब योगी जी 2017 में वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने अपराध पे कंट्रोल लगाया। सिन्हा साहब, एक बात याद आई, योगी जी की जो छवि बनी है देश भर में बाबा बुलडोजर की, ये इसको देख के फख्र महसूस होता है या चिंता होती है कि ये अपराध पर इतना कड़ाई से काम करते? देखिए, कोई भी एक आम आदमी के नाते, एक आम नागरिक के नाते हमें फख्र होता है कि हमारा मुखिया ऐसा है जिसके नाते हम लोग बेखौफ होकर के शहर में रहते हैं, बेखौफ होकर के हम आते जाते हैं और किसी तरीके का कोई न डर। मतलब अगर कानून तोड़ोगे तो कानून आपको छोड़ेगा भी नहीं, ये छवि बनाई है मुख्यमंत्री ने और उसको यहाँ के लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, दोनों खास मेहमान हैं और लेडीज़ फर्स्ट। अनु जी, आपने सबकी बातें सुनी, आपके सामने गोरखपुर की जनता है, आवाम है, हो सकता है कुछ लोग किसी ना किसी विचारधारा से जुड़े हों और सबका सम्मान होना चाहिए, पर मेरा सवाल आपसे है, जो बात उन्होंने कही सिन्हा साहब ने वहीं से शुरू करता हूँ। ये जो छवि बनी है योगी जी की कि अपराध पर लगाम लगाने वाली, एक ऐसा शख्सियत, एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध को लेकर इनटॉलरेंट है, नहीं सहन करता है, क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह है बीजेपी की लोकप्रियता की पूरे प्रदेश में? आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सबसे पहले आप सभी लोग को धन्यवाद देती हूँ, NDTV इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। आपका जो सवाल है मैं उसी पे आती हूँ कि जीरो टॉलरेंस की जो आप बात करते हैं और जितने भी अपराधियों की बात हो रही है कि अब अपराधी दिखते नहीं है, कहाँ से दिखेंगे जब सभी के सभी बीजेपी में भर्ती हो गए हैं। मगर दुर्भाग्य की बात ये है कि योगी जी का ये गढ़ है, वो यहाँ के कई बार सांसद भी रहे हैं, अब मुख्यमंत्री हैं, मगर आज तक गोरखपुर के इन मूलभूत मुद्दों की समस्याओं पे उन्होंने अपना एक भी वक्तव्य नहीं दिखा। आप ये जितने चकाचौंध देख रहे हैं, आप जरा यहाँ पे जरा पूछिएगा, जितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ का ठेका कितने का है? 30 लाख, 25 लाख, 40 लाख। क्या गरीब यहाँ पे अपनी रोजी रोटी की कमाई कर सकता है? जितने ठेले वाले हैं उन लोग को यहाँ से कोसों दूर भेज दिया गया है और जितने यहाँ पे आपको लगे दिख रहे हैं उनसे हर दिन ना जाने कितना पैसा लिया जाता है। मैं इसी नोट पर सहजानंद जी आपका जवाब चाहूंगा, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के इलाकों में अपराध में कमी नहीं आई है, कांग्रेस का आक्षेप है आप पे? अभी बहुत सारी बातों पे आपने पूछा और मुझे लगता है गोरखपुर का हर, चाहे नागरिक हो, महिला हो, चाहे पुरुष हो, और योगी जी को, योगी जी के ऊपर फख्र करता है, गर्व करता है। इसलिए गर्व करता है कि मैं तो संगठन के नाते आज भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ, इस नाते विगत 5 साल से मैं गोरखपुर में आता हूँ, जाता हूँ और 5 साल पहले, 7 साल पहले भी गोरखपुर को मैंने देखा है। गोरखपुर की पहचान मच्छर और माफिया से थी, उस पहचान को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और अपराध पे आज गोरखपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कानून राज है और आज योगी जी की सरकार में ये बाइफर्केट नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वाला, ये सपा वाला, ये कांग्रेस वाला, कानून कानून के हिसाब से काम कर रहा है। अगर कोई अपराधी है, अगर कोई दंगाई है, अगर कोई भ्रष्टाचारी है, अब मुझे लगता है कि गोरखपुर की यहाँ जनता बैठी है, कुछ किस्से बनाए जाते हैं, कुछ किस्से बनाए जाते हैं, किस्से यथार्थ नहीं होते, वो किस्से यहाँ गोरखपुर के लोग बैठे हैं वो जानते हैं, कुछ किस्से बनाए जाते हैं कि केवल मेरा चेहरा, मेरी बात जानो, अनु जी को बोलने बनाए जाते हैं। मुझे लगता है किस्से बनाए जा रहे हैं। कितने साथी मौजूद हैं? जिस बच्ची के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में जिसको, जिसका लास्ट मिला, क्या ये किस्सा झूठा है? देवरिया कांड जो हुआ, क्या ये किस्सा झूठा है? वहाँ पे छात्र नौजवान रोज बार बार वहाँ पे शिकायत, देवरिया कांड पे उनके साथ प्रोफेसर बसुलुकी, देवरिया कांड पे किस्सा बनाया गया? उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायपूर्वक काम किया है, न्यायपूर्वक काम किया है और उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं की है, पूरा प्रशासन उसको संज्ञान में लिया, न्यायपूर्वक काम किया है। कोई उस पे भेदभाव नहीं हुआ है,
जो लोग, जो समाजवादी पार्टी के लोग सीना चौड़ा करके केवल जातिवाद का बुलंद कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय की है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जो बीजेपी कहती कि डबल इंजन की सरकार यूपी में और केंद्र में, इससे फायदा पहुंच रहा है। दोनों लोग मिलकर एक साथ काम कर पाते हैं, एयरपोर्ट्स बन गए हैं, हाईवेज बन गए हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही है, संसाधन पैदा हो रहे हैं, अब कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। आपको लगता नहीं कि ये सब चीज़ें यहाँ के बच्चों के लिए रोजगार पे उपलब्ध कराएंगे? आपने बात की है रोजगार की, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है और यहाँ पे युवा भी खड़े हैं कि ऐसे बहुत सारे युवा थे जिन्होंने लखनऊ और प्रयागराज को आंदोलित करके सड़क जाम करने का काम किया था, सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए, परचम लीक मामले के लिए, और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसलिए उन्होंने सड़क जाम किया था। दूसरी बात, एक मिनट, आपने डिफेंस की बात की है, अग्निपथ योजना से कितने लोग संतुष्ट हो? अग्निवीर नाम है, अग्निवीर नाम है, अग्निपथ नहीं है। अग्निवीर योजना से कितने लोग संतुष्ट है? कितने लोग आज युवा परेशान है, हर दिन सुबह युवा डिफेंस में जाने के लिए मेहनत करता है, मगर जब से अग्निवीर की योजना आई है उस दिन से युवा परेशान है। मैं अग्निवीर पे जवाब देना है, औद्योगिकरण पे जवाब देना है, पेपर लीक पे जवाब देना है। जी, ये हमारी छोटी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता है और उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ। जिस कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इस देश में, 60 साल तक इस कांग्रेस ने इस देश पर राज किया और उस कांग्रेस को जवाब देना, आज जनता के सामने जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है कि इन 60 सालों ने इस देश के साथ उन्होंने क्या किया है और देश कहां पर खड़ा था, आज ये देश कहां पर खड़ा था। और दूसरा मैं प्रश्न, जिस समाजवादी पार्टी के साथ, जिस समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन रहा, जिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहा, यही समाजवादी पार्टी 2017 के पहले नौकरियों के नाम पर सैफई और इटावा से केवल सूची आदि थी। ये सब खामियां थी कांग्रेस में और सपा में। एक मिनट अगर मैं मान भी लूं, इनको सरकार ने, जनता ने रास्ता दिखा दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। आपको आए हुए 5 साल हो गए, आपको आए हुए 10 साल हो गए, इस चीज को आपको ठीक कर रहा है। पेपर लीक आज भी हो रहे हैं, सुमित जी, पेपर लीक आज भी हो रहे हैं। आज इस 10 साल में मोदी मोदी सरकार के कारण, मोदी सरकार के कारण हमने, अनुजी सुन लीजिए, आज इस 10 साल में मोदी सरकार के कारण, जो मोदी जी कहते हैं पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मोदी है, पेपर लीक बेरोजगारी हो रही है कि बढ़ रही है, उस पे सरकार कार्रवाई कर रही है और बड़ी कार्रवाई कर रही है। अग्निवीर इस देश के लिए सबसे अच्छी योजना है। अगर हमारे में नाराजगी है, युवाओं में नाराजगी है, लोगों में नाराजगी की नौकरी मिल रही है, लोगों में नाराजगी नहीं, केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नाराजगी, लोगों को नाराजगी नहीं है। नौजवान उनको सरकार अवसर भी देती है। आज डबल इंजन की सरकार के कारण देश विकास पर है, प्रदेश विकास पर है, नौजवान विकास की राह पर है, सुनिए, महिलाएं विकास की राह पर है, व्यापारी विकास की राह पर है। सुनिए, आखिर में अनु जी, आखिरी मिनट है, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। बीजेपी ने तो 370 पार बोल दिया, 400 पार बोल दिया, आप कुछ भी पार नहीं बोल पा रहे हैं, इतनी बुरी और इतनी विकट स्थिति क्यों है? देखिए ऐसा है, ये जिनको लोकतंत्र में भरोसा होता है, जो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, वो सिर्फ जनता से दरख्वास्त गुजारिश करेंगे कि आप हमको वोट दीजिए, सत्ताना शाही नहीं अपनाएंगे कि अरे हम इतना पार हो गए, उतना पार हो गए। अरे लोकतंत्र पे भरोसा तो करिए, हर जगह ताना शाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए। लोकतंत्र का इस जनता, लोकतंत्र पे किसका भरोसा है, हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और लोगों का भरोसा मोदी पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका इस मंच पे। हम गोरखपुर में मौजूद हैं, गोरखपुर के इस रामगढ़ ताल के किनारे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ के माननीय सांसद रवि किशन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि किशन जी। बीजेपी से सांसद बने, भोजपुरी फिल्मों के सुपर डुपर स्टार हैं और आजकल तो फिर ओटीटी पर छाए हुए हैं। 2-3 सीरीज हाल फिलहाल में आ गई हैं, जो लापता लेडीज और मामला लीगल है। तो आज हम कुछ लीगल सवाल ही पूछ लेते हैं। भाई 5 साल कामकाज किया है तो 5 साल के कामकाज का हिसाब गिनाइए। गोरखपुर की जनता जानना चाहती है, हिंदुस्तान की आवाम सुनना चाहती है।
बहुत बहुत धन्यवाद रवि किशन जी, आपने वक्त निकाला। जैसा कि मेरा हमेशा का नियम है, पहले 60 सेकंड में आपको देता हूँ कि क्यों आपको चुनना चाहिए गोरखपुर की जनता को। टाइम गोज अप। निस्वार्थ सेवा, पहला सांसद हूँ भारत का जो अपना रोजगार फिल्म की शूटिंग यहाँ पर शुरू कर दिया। 5 साल में 150 फिल्मों की शूटिंग, यहाँ पर आप क्रूज देख रहे हैं, जहाँ पर यहाँ लाशें बहती थी वहाँ अब क्रूज चल रहे हैं। आपको गोवा नैनीताल नहीं जाना, इसकी सीनरी पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से। पहला सांसद हूँ जो सबसे ज़्यादा ट्रेन ठहराव करवाया अपने ज़िले में। पहला सांसद हूँ जो वंदे भारत ट्रेन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश पे लेके आया और वो शुरू हो गया। पहला सांसद हूँ जो उत्तर प्रदेश का नंबर वन बना। सबसे ज़्यादा प्रश्न अपने गोरखपुर नारकोटिक्स ड्रग्स से लेके भोजपुरी आठवीं अनुसूची मछुआरा समाज से लेके अनगिनत प्रश्न रखने वाला मैं पहला सांसद, पहली बार का सांसद कलाकार हो के ये। और निस्वार्थ सेवा, जैसे मोदी जी पर एक दाग नहीं, योगी जी पर नहीं, आपके सांसद पर एक दाग नहीं। आपने कहा कि आपने विकास किया, आपने आपका आपके ऊपर कोई दाग नहीं है, तो विकास से शुरू करते हैं। मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये किसी का सवाल नहीं है। मैं पिछले 20 सालों से गोरखपुर आ रहा हूँ, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी कवरेज के बहाने, लेकिन ट्रैफिक की स्थिति जैसी थी वैसी है। गोरखपुर का ट्रैफिक क्यों नहीं सुधर रहा है, कहाँ दिक्कत है? नहीं, यहाँ पर हमने मायावती जी देख ली, हमने अखिलेश जी देख ली, हमने योगी जी देख ली। यहाँ पर अभी 2650 करोड़ का एक रिंग रोड आ रहा है जो गडकरी साहब से लाने वाला आपका ये सांसद है, तो वो अब वो काम शुरू भी हो गया। क्या योगी जी का गोरखपुर से होना, गोरखपुर पीठ का मुखिया होना, फिर गोरखपुर की पीठ की वजह से उनका मुख्यमंत्री भी होना, क्या ये बहुत एडवांटेजियस है आपके लिए कि सारे काम तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं पर तालियां आपको भी मिल रही नहीं है? लेकिन यहाँ जितनी बड़ी धरती पे योजना आपको केंद्र सरकार की दे रही है, उसको लाने का जिम्मा उंगली पकड़ के उन्होंने सिखाया। बट नेचुरल वो उन्होंने मुझे बताया सदन से मांगना कैसे, सदन में बात कैसे रखना, पार्लियामेंट से लाना, क्योंकि वो भी एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही डिसिप्लिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। और मैं सौभाग्य कि मुझे मोदी योगी जी जैसे गुरु मिले नेता के रूप में, जिनका सानिध्य मिला, दो निस्वार्थ संत मिले जिनके बल पर मैं यहाँ पर, नहीं तो बाकी कलाकार चले जाते हैं 5 साल बाद, रहते नहीं हैं यहाँ। गोरखपुर के एक एक जनता, एक एक बच्चा बोलता है कि हमको रवि किशन चाहिए, रवि किशन को जी। आपके विरोधी ने यहाँ आकर कहा, काजल निषाद ने, कि आपके नाम का एक भी पत्थर नहीं है, आपने कोई काम ही नहीं कराया, ये कह के कही है, एक नहीं कम से कम तीनों बार यहाँ बैठकर कहा। देखिए, अखिलेश यादव जी की पार्टी को या उनकी किसी प्रत्याशी को अधिकार ही नहीं है ये सारी चीज़ें। ये मैं पत्थर लगवाने के लिए नहीं आया, मैं पत्थरों पे ध्यान नहीं देता। ये स्वर्ग है, ये आपकी आंखों से देखिए, आपको लग रहा है लंदन की किसी आप स्ट्रीट लाइट पे बैठे हैं, लंदन के किसी स्ट्रीट पे बैठे हैं। लेकिन अपराध की आपने बात की, कांग्रेस की प्रवक्ता थी, उन्होंने कई सारी घटनाएं गिना दी, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, छात्राओं के साथ क्या होता है, कैसे डेड बॉडीज मिली बच्चियों की। आपको लगता नहीं कि अपराध के मामले पर भी बहुत कुछ करना बाकी? हालांकि योगी सरकार ने एक छवि बनाई है कि वो अपराध पर कड़ाई से लगाम लगाती है, बाबा बुलडोजर की छवि बनी है योगी आदित्यनाथ की, पर अभी भी यहाँ की जनता में ये शिकायत है। हो सकता है आप कह सकते हैं कि वो विरोधी हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, पर ये शिकायत इतनी भी क्यों है? नहीं, यहाँ पर आपको बताएं, मैंने अपनी निधि से भी 1 करोड़ रुपया दिया। यहाँ पर इस वक्त 40,000 CCTV कैमरे हैं जिसको अभी हम लोग 1 लाख करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर अपराध, देखिए जहाँ पर राम है रावण, अपराधी लोग हर जगह किसी न किसी रूप में आपको पाए जाएंगे। ये मनुष्य के अंदर एक अलग सा कभी कभी प्राणी आता है और उसके अंदर वो पशु भी है, जहाँ उसको मनुष्य बनना था लेकिन अपने पशु को कभी त्यागता नहीं, बट नेचर, लेकिन उस पर अंकुश लगाम। और अगर किसी ने अपराध किया तो मैं आपको धरती पर लिख के देता हूँ, बचता नहीं है, उसको इतनी कड़ी सजा होती है कि उसकी 7 पुष्ट अपराध। ये भी तो है ना रवि किशन जी, की जो आदमी आपके हिसाब से भ्रष्टाचारी था, अपराधी था, वो जब बीजेपी में आता है तो वॉशिंग मशीन से निकल आता है। ये कहा जाता है कि बीजेपी में आते ही सब पाप माफ हो जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, ये दो नाम तो मैं अभी तुरंत ले सकता हूँ, मुकदमे वापस हो गए, केसेस वापस हो गए। अभी फिलहाल आपने अवस्थी जी, आप मुझे बहुत, आप क्लेवर हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। फिलहाल मैं गोरखपुर की बात में सीमित रहना चाहूँगा, चूँकि हम लोग गोरखपुर में हैं। राजनीति का उस लेवल मैं टोटली इस चुनाव में सोशल मीडिया से ऑफ हूँ, तो मुझे गोरखपुर के अलावा अभी इस वक्त जेन्युइनली आई एम स्पीकिंग,
मुझे कोई जानकारी इस जिले के बाहर क्या हो रही है और मुझे रखनी भी नहीं। पर ये भी तो सच्चाई है ना कि दिल्ली से आगरा का एक्सप्रेसवे मायावती ने बनवाया, आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे अखिलेश के समय बना आप मुलायम सिंह की वजह से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं, ये सच्चाई है क्या? अरे भाई जब क्या उन लोगों ने काम बिल्कुल नहीं किया? सरकार में रहते हो तो करना होगा, कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ। ऐसा देखिए ना, मोदी जी कहते हैं मैंने एहसान किया, लेकिन उसके अंदर जो भ्रष्टाचार ये लोग करते थे भाई, करना था पूरे देश का करना था, जैसे मोदी जी ने किया। सरकार आई, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, 43 लाख करोड़ का निवेश, कभी जीवन में लोगों ने नहीं सोचा था। उत्तर प्रदेश पूरी चौमुखी हुआ, एक जिले को इन लोग बताते थे, अपने जात बिरादरी में लोग खाली खेलते थे ना, बिरादरी के लिए क्या, 2 दर्जन तो इनके परिवार वाले चुनाव लड़ते हैं। ये लोग क्या किए हैं भाई, कोई एहसान थोड़ी किए, एक हाईवे आप बना दिए, आपका दायित्व है। पर परिवार जैसे मैं अभी सांसद बनाऊं तो इतनी सब चीजें मैं भी बोल सकता हूं, मैं तो महाराज जी के सानिध्य में हूं, महाराज जी करेंगे। केंद्र से लाना 500 प्रश्न पूछना, वहां खड़े रहकर डिबेट करना, 10 प्राइवेट बिल लगाना। पर परिवार तो भाजपा में भी है ना, भाजपा के तमाम नेता परिवार मोदी जी ने कभी परिवार मैं नाम ले सकता हूं आप चाहें तो। नहीं नहीं, मोदी जी ने कभी परिवार, ये जो सरनेम को थोपने की जो आदत, सरनेम को थोपना कि यही लोग अध्यक्ष रहेंगे। अभी भाजपा का किसी से पूछ लो का हो, अगला अध्यक्ष के रही, किसी को नहीं मालूम अगला मुख्यमंत्री कौन है, कोई सी बूथ अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष होंगे पता था किसी को, वो भी तो गांधी का है। ये अभी जब बोल दे सर पे, जब इतना कुछ मोदी जी ने इनको हिंदू बना दिया, मोदी जी ने इनको जनेऊ पहना दिया, मोदी जी ने इनको राम बनवा दिया। मैं तो पर्सनली भी इनको जानता हूँ ना, अपोजिशन को भी जानता हूँ, ये लोग अकेले बैठ के बात करते हैं तब इनको, ये सिवाय फॉरेन लैंड के इन्होंने भारत को तो, ये तो मोदी जी इनको दौड़ाने लगे तो थोड़ा बहुत। रवि जी आप पे इल्जाम लगा कि आप बाहरी हैं, आपका ध्यान फिल्मों में ज्यादा रहता है, आप गोरखपुर में नहीं रहते हैं, यही मंच पर बैठ के गए आपके प्रति। हम कहां का है, यो जौनपुर के हैं, बाहर के? नहीं नहीं, हम कहां का है, ये मामखोर बगल का हूं मैं, शुक्ला हूं, गर्ग गौत पूरे विश्व में यही पाए जाते हैं। ये भी इल्जाम लगा कि शुक्ला आपने केवल चुनाव की वजह से? नहीं नहीं, चुनाव में हम रवि किशन अवस्थी जी, अगर मैं आपको कल लड़वा दूं तो आपका पूरा इतिहास खोल देंगे। ये चुनाव, ये राजनीति इतनी सुंदर जगह है कि यहाँ पर पड़ोसी बाप दादा परदादा सब खोल देते हैं। खैर इनके इल्जामों का कोई मतलब नहीं। पहली बात तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 5 साल कोई काम नहीं, आप दिखे नहीं 5 साल, कोरोना में यही एक आदमी अनाज लेके 3 लाख टन अपनी व्यवस्था से भटकता रहा। मैं निषादों की बच्चियों को नौकरी, निषादों की बच्चियों को एजुकेशन, अनगिनत समाज की बेटियों को, दलित समाज की बेटियों को, यादव समाज की बेटी, इलाज करवाना, अस्पताल 24 घंटा मेरा हेल्पलाइन, मेरे सारे कार्यकर्ता मेरे साथ, मेरे सारे लड़के, मेरा संगठन लगातार काम करता है। आपने कहा कि गोरखपुर की आप बात करेंगे, लेकिन एक सवाल आपकी इजाज़त से, अगर आप नहीं जवाब देना चाहें मत दीजिएगा। राहुल अखिलेश भैया एक हो गए हैं, साथ साथ प्रचार भी कर रहे हैं, अभी कन्नौज में थे, सुना अमेठी रायबरेली आ रहे हैं, ये जो सपा का और कांग्रेस का गठबंधन है इस बार का, आप उत्तर प्रदेश के सांसद रहे 5 साल तक, आपने संसद में भी देखा, इसको आप कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है ये यूपी में? यार देखिए एक बात बताएं, ये देश अवस्थी जी आप भी जानते हैं, ये गरीबों का देश है। 25 करोड़ को मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर लाया, 80% देहात है। इसको समझने के लिए जाति समीकरण और जातिता और मोदी जी पे आरोप, उनकी तरह निस्वार्थ बनने के लिए इनको 100 जन्म लगेगा, जिनके पास अपने जीवन में कुछ है नहीं, सिर्फ त्याग है और दिया ही है, ये विजन ही नहीं है। इतने बड़े भारत को जो 10 साल में बता दिया, आज आपके पासपोर्ट की वैल्यू से ले आपका आधार कार्ड की वैल्यू, आपको बता दिया कि आप लोग मनुष्य हो, आप लोग के लिए एम्स है यहाँ पर, आप लोग को भी जिंदा रहने का गांव देहात वालों को अधिकार है, आप लोग सिर्फ वोट के लिए एक 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 मोहरा नहीं हो, ये मोदी जी ने सिखाया। ये लोग क्या लेवल पे बात करेंगे, ये अनगिनत निरंतर देश को राष्ट्र सर्वोपरि को लेके चलने वाली सोच ये नो में, ये लड़कों में कहां से आएगी? ये लोग आधे से अभी थक जाएंगे, यहां 2 महीने से रगड़ गए हैं बाबू, रगड़ गए हैं। एक आखिरी चीज और, क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं और रवि किशन मंच पे हैं, तो आप समझिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं। जैसन सोच ले रहनी,
वैसन मोदी जी मोर बाड़े सावरना गोर बाड़े हो। तब हम कहेंगे विरोधी सुन ला, तकरार छिड़ल बाता भरपूर जवानी में, ये महफिल का मजा हम तरीका से ले, कहे यहां मर्जी महादेव के चली। नमः पार्वती पदे हारा हारा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू। तो गोरखपुर में क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम का दबदबा रहेगा, रवि किशन का जलवा रहेगा, या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, या फिर इस बार इंडिया अलायंस जो एक साथ लड़ रहा है वो कुछ गजब कर दिखाएगा, ये सब तो 1 जून को गोरखपुर की जनता तय करेगी। लेकिन एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल के इस खास के एपिसोड में फिलहाल इतना ही।